मूवी की शुरुआत में हम एक बीच पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर बहुत सारे यंग फ्रेंड्स मिलके पार्टी कर रहे होते हैं। ये बहुत सारे गेम खेलते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं। इसी बीच में इनको एक अजीब सी चीज मिलती है, जिसको वो इग्नोर कर देते हैं। मिस नाम का लड़का इन सब का फोन इकट्ठा करके कार की डिक्की में डाल देता है, ताकि कोई भी किसी का इंटीमेट होने वाला वीडियो इंटरनेट पे नहीं डाल। खूब मस्ती करने के बाद में ये लोग अपनी कारों में ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह धीरे धीरे करके सब लोग उठने लगते। कैली देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जोना किसी और लड़की को किस कर रहा है। फिर जोना टेबल पर सो रही मार्सा को उठाता है। हैंगओवर की वजह से मार्सा को उल्टी होने लगती है। इधर कैली बीच पर एक बर्ड को देखती है, जो धीरे धीरे बीच की रेत में धसा जा रहा था, और देखते ही देखते वो इसके अंदर पूरा समा जाता है। ये देख के कैली घबरा जाती है और उल्टी कर रही मार्सा को अलर्ट करती है कि वो अपना पैर रेत पर नहीं रखे। लेकिन ऑलरेडी उसका पैर रेत में धस चुका था। वो अपने पैर को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका हाथ भी रेत में फंस चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसको अंदर से खींच रही है। उनका एक दोस्त वैंस मार्सा की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका पैर भी रेत में धस जाता है, और अब वो भी अपने फंसे हुए पैर की वजह से नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से वैंस का चेहरा भी अब रेत से चिपक चुका था, और उसकी आंख और अब उसके चेहरे का मांस भी चिपक के शरीर से बाहर आ रहा था। और देखते ही देखते मार्सा और वैंस इस रेत के अंदर समा जाते हैं। ये देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात तो हम पार्टी कर रहे थे, सब कुछ तो नॉर्मल था, ये अचानक से यहाँ पे क्या हो गया है। इस बात का पता लगाने के लिए कैली रेत के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसकी वजह से रेत में से कुछ रेसे निकलते हैं। ऐसा लगता है कि ये रेसे कैली के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कैली खड़ी होके देखती है कि कल रात को वो अजीब सी चीज जो पार्टी के दौरान मिली थी, अब वो बीच पर टूटी हुई पड़ी है। ये लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि ये एक अंडा था, जिसमें से शायद कोई मॉन्स्टर निकला है, और वो अब इस रेत के नीचे छुप गया है, जो एक एक करके हम सबको खा रहा है। हमें जमीन पर पैर नहीं रखना चाहिए। इसी बीच में वो डिसाइड करते हैं कि हम कार लेके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन पार्टी करने की वजह से इन लोगों ने कार की बैटरीज को चालू रख के हेडलाइट ऑन कर रखी थी, इसलिए पूरी रात हेडलाइट जलने की वजह से अब कार भी चालू नहीं हो पा रही थी। इसी बीच में गिलबर्ट अपने हैंगओवर से उठ जाता है, जो कि एक ट्रैश कैन में फंसा हुआ था। इन लोगों ने पिछली रात को गिलबर्ट के साथ प्रैंक किया था और इसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। अब गिलबर्ट जैसे ही कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो कैली और मिस उसको समझाते हैं कि बाहर मत निकलना, सैंड में कुछ है। वो उसको समझा बुझाकर उस कचरे के डिब्बे में रहने के लिए ही कहते हैं। अब कैली और मिस सोचते हैं कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। वो सैंड पर अलग अलग दूरी पर हॉट डॉग फेंकते हैं और पता लगाते हैं कि मॉन्स्टर कितना बड़ा है, और उनको पता लगता है कि मॉन्स्टर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। जैसे जैसे दिन निकलता है, बीच पर धूप बढ़ती जाती है, तो ये लोग सनस्क्रीन लगाकर अपनी स्किन को थोड़ा आराम देते हैं। अब इन लोगों को भूख लगी थी, तो जोना डिसाइड करता है कि वहाँ पे पड़ी हुई पिकनिक टेबल पर जिसपे खाना रखा हुआ है, वो उसको लेके आएगा। तो वो स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने लगता है, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पिकनिक टेबल के पास पहुँचता है, तो स्केटबोर्ड पीछे की तरफ फिसल जाता है और उसके पेट का कुछ हिस्सा जमीन के कॉन्टेक्ट में आने वाला होता है, तो वो रेशे जोना के पेट में एंटर करने लगते हैं। लेकिन जोना कोशिश करके पिकनिक टेबल पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पेट में वो रेशे एंटर कर चुके थे, जिसकी वजह से उसकी पेट पर अजीब से घाव बन चुके थे। घायल जोना अपने फ्रेंड्स को खाने पीने की चीजें पास करता है, लेकिन उसके घाव अब बढ़ते ही जा रहे थे और उसके घावों से खून निकल रहा था। जोना की ये हालत देख के कैली बहुत दुखी होती है, और जोना बाद में पिकनिक टेबल पर ही सो जाता है। अब ये सब लोग मिल के यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। ये लोग कॉल करके किसी को हेल्प बुलाने की सोचते हैं, लेकिन इन्होंने पिछली रात को अपने सारे फोन डिक्की में डाल के बंद कर दिए थे, तो अब डिक्की में से फोन निकालना जरूरी है। अब बिना जमीन पर पैर रखे हुए डिक्की को खोलना काफी मुश्किल काम था, पर रोनी और चेंडा इस डिक्की को खोलने की कोशिश करती है। जब रोनी इस डिक्की को खोलने की कोशिश करती है, तो बिना किसी सपोर्ट के रोनी का वहाँ पे खड़ा रहना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए रोनी चेंडा को कहती है कि वो बिना सपोर्ट के इसको नहीं खोल सकती और वो शायद इसको नहीं कर पाएगी। लेकिन चेंडा एक कपड़े की मदद से उसको सपोर्ट देती है, लेकिन रोनी डिक्की खोलने में कामयाब नहीं होती है, तो कैली एक लाइफगार्ड हुक की मदद से रोनी को सपोर्ट करने की कोशिश
कोशिश करती हैं, जिसकी मदद से अब रोनी सक्सेसफुली डिक्की खोल देती है। रोनी अब मोबाइल निकालने ही वाली होती है कि बीच पर बीच पेट्रोल पुलिस आती है, जिसके हॉर्न की आवाज सुन के रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती है और वो बुरी तरह से कराने लगती है। इधर ये पुलिस वाला बीच पर इन लोगों को ऐसे देख के ये मान लेता है कि ये लोग पिछली रात बहुत ड्रिंक किए हुए थे, इसलिए अब वो कोई ट्रेस कैन में बैठा है तो कोई अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। लेकिन कैली पुलिस वाले को सावधान करती है कि बीच की रेत पर पैर मत रखना और उसको गाड़ी से उतरने के लिए मना करती है। लेकिन पुलिस वाले ने अपने दिमाग में बिठा रखा था कि इन लोगों ने ड्रिंक कर रखी है या ड्रग्स ले रखी है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो कैली के अगेंस्ट अपनी कार से उतर जाता है और बीच की रेत पे आराम से चल पाता है। कैली ये देख के हैरान हो जाती है कि ये आदमी कैसे चल पा रहा है। अब ये बीच पेट्रोल पुलिस वाला इन सब लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। ये पुलिस वाला जब रोनी की मदद करने जाता है और उसकी डिक्की में फंसी हुई अंगुलियां निकालने की कोशिश करता है, तो बातों बातों में उसकी बहस कैली से हो जाती है और वो चल के कैली के पास आता है और कैली से बहस करने लगता है और कैली को कहता है कि तुम अपने फ्रेंड की मदद खुद क्यों नहीं करती हो। तो कैली उसको बताती है कि उसके दो दोस्तों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो वो पुलिस वाला कहता है कि दो लोगों की मौत हो चुकी है तो तुमने क्राइम किया है, तुम चुपचाप नीचे आ जाओ। लेकिन कैली कहती है कि वो नीचे नहीं आएगी। तो पुलिस वाला अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में उसकी कार की चाबियां नीचे गिर जाती है। कार की चाबियों को उठाने के लिए वो नीचे झुकता है, कैली उठाने के लिए मना करती है, लेकिन पुलिस वाला उन चाबियों को रेत से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रेत में ही धंस जाता है। पुलिस वाला पेपर स्प्रे से मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पूरा हाथ ही खा जाता है और देखते ही देखते पुलिस वाला पूरी तरह से रेत में धंसने लगता है। और इसी बीच में कैली वो पेपर स्प्रे उठा लेती है और पुलिस वाला पूरी तरह से रेत के अंदर समा जाता है। इसके बाद में मिस कैली को कहता है कि पुलिस वाले ने चमड़े के मोटे जूते पहने थे, इसलिए मॉन्स्टर ने शुरुआत में उस पे अटैक नहीं किया था जब तक कि वो अपनी चाबी उठाने के लिए नीचे नहीं झुका। इससे ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम डायरेक्ट सैंड के कॉन्टेक्ट में नहीं आए तो शायद यहाँ से बच के निकल सकते हैं। मिस प्लान करता है कि वो पैरों में कपड़ा बांध के यहाँ से निकल जाएगा। वो चेंडा से टॉवेल पास करने के लिए कहता है, चेंडा टॉवेल पास करती है, लेकिन कैच करते समय मिस नीचे गिर जाता है और वो डायरेक्ट सैंड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसको खाने लगता है और धीरे धीरे देखते ही देखते मिस भी जमीन के अंदर समा जाता है। ये देख के सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और कैली रेलिंग की मदद से अब कार में जाने का प्लान करती है और वो रेलिंग के सहारे चल चल के कार में पहुंच जाती है। कैली सबसे पहले जाकर अपनी फ्रेंड रोनी की अंगुलियां जो कि डिक्की में फंसी थी उनको निकलवाने में मदद करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है और काफी समय बाद में रोनी चैन की सांस लेती है। ब्लीडिंग रोकने के लिए कैली रोनी के हाथ में टॉवेल बांध देती है। अब ये तीनों लड़कियां प्लान करती है कार से वो अब जोना के पास पिकनिक टेबल पे रेलिंग के सहारे पहुंचेगी। सबसे पहले चंडा रेलिंग के सहारे पिकनिक टेबल पर जोना के पास पहुंच जाती है। उसके बाद में रोनी और केली दोनों रेलिंग के सहारे पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोनी केली को बताती हैं कि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से हो सकता है कि मॉन्स्टर ब्लीडिंग को स्मेल करके उस पे अटैक कर दे, इसलिए तुम पहले चली जाओ। तो केली रेलिंग के सहारे जोना के पास पिकनिक टेबल पे पहुंच जाती। उसके बाद में रोनी रेलिंग के सहारे पिकनिक टेबल पे पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन रोनी के हाथों पे कपड़ा बंधा होने के बावजूद भी ब्लीडिंग की कुछ बूंदें रेत पे गिर जाती हैं। पहले तो रोनी को ऐसा लगता है कि वो ठीक है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि उसके शरीर का एक हिस्सा मॉन्स्टर ने जकड़ रखा है और इसके बाद में कैली को भी जमीन के अंदर वो मॉन्स्टर खींच के ले जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देख के सब लोगों को बहुत दुख होता है। इधर गिलबर्ट ट्रैश कैन में काफी टाइम से फंसा हुआ था और उसके नुकीले कोनों की वजह से उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और ये खून जब सैंड के कांटेक्ट में आया तो उसको स्मेल करके मॉन्स्टर के टेंटेकल्स इस ट्रैश कैन के अंदर चढ़ने लगे और वो अब गिलबर्ट को खाने की तैयारी करने वाले थे। दूसरी तरफ चेंडा अपने पैरों में कपड़ा बांधकर पिकनिक टेबल से बीच पेट्रोल पुलिस की कार तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि गिलबर्ट के ट्रैश कैन में बहुत सारे टेंटेकल्स अंदर आ गए हैं और कुछ बड़े टेंटेकल्स गिलबर्ट को खा रहे हैं। अब ये मॉन्स्टर सबको खा के काफी बड़ा हो गया था और काफी ताकतवर भी हो चुका था और देखते ही देखते वो गिलबर्ट को पूरा खा जाता।
जाता है। अब ये बड़ा हुआ मॉन्स्टर बीच पेट्रोल पुलिस की कार पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चेंडा नीचे गिर जाती है और सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब बीच पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, चेंडा, केली और जोना। अब यहाँ पे रात हो जाती है और रात के टाइम में चेंडा को होश आता है, तो केली चेंडा को कहती है कि कुछ ऐसा ढूंढो जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सके। चेंडा उस पुलिस वाले की कार में ढूंढती है तो उसको राफ्ट मिलती है, जिसकी मदद से केली और जोना राफ्ट में चढ़कर बिना सैंड के कॉन्टेक्ट में आए, वो पुलिस की कार में चढ़ जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर यहाँ रुकने वाला नहीं था, मॉन्स्टर इन पे अब अटैक कर देता है। अब मॉन्स्टर के टेंटेकल इतने बड़े हो चुके थे कि वो आसपास की जगहों में जाकर भी अटैक कर सकता था, इसलिए केली कार के ऊपर चढ़ के पेट्रोल का एक केन लेती है और चारों तरफ पेट्रोल को छिड़क के वहाँ पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जल के मर जाता है। मॉन्स्टर के जलने के बाद में ये तीनों लोग कार में ही सो जाते हैं। अपने घावों की वजह से जोना अब तक मर चुका होता है और इस बात का केली और चेंडा को बहुत दुख होता है। अगली सुबह वहाँ पे एक आदमी आता है जो ग्लास पे नॉक करता है। केली और चेंडा उठती हैं और डर के मारे सैंड पर धीरे धीरे पैर रखती हैं, लेकिन अब उनको कुछ नहीं हो रहा होता है क्योंकि मॉन्स्टर ऑलरेडी जल के मर चुका होता है। अब चेंडा और केली यहाँ से धीरे धीरे भारी मन से निकल जाती है। जोना ऑलरेडी मर चुका था, अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं होता है। ये मॉन्स्टर बीच से अब समंदर में जा चुका है और धीरे धीरे यह सिटी पे अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह की मूवीज और कौन सी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना और सुनना पसंद करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।